गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी अभी मैं सो के उठा हूं और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 हो रहे हैं अभी। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर उसके ब्रेकफास्ट करने के बाद नहाते हैं, फिर निकलते हैं। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, पोखरा जाते हैं या फिर कहाँ घूमते हैं, देखते हैं। तो वो आपको भी दिखाएंगे हमारे साथ साथ व्लॉग में, आगे तक बने रहना। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, सारे जा रहे हैं। जिसने कल का व्लॉग नहीं देखा तो कल हम गए थे पशुपतिनाथ बाबा के टेंपल दर्शन करने के लिए, तो वो वाला भी व्लॉग आप जाके देख लो, वो भी बहुत अच्छा व्लॉग था। और उस पिछले से पिछले देखा कि हम इंडिया से नेपाल कैसे आए, काठमांडू दिल्ली टू काठमांडू कैसे आए, तो वो भी पूरी डिटेल थी उस व्लॉग में। आप जाओ देखो व्लॉग को, पहले इसको देख लेना फिर उसको देख लेना। मौसम देखो गाइस कितना अच्छा हो रहा है बाहर, 15-16 डिग्री टेम्परेचर है अभी बाहर का, ठंड भी हो रही थोड़ी थोड़ी। ये हमारे ब्रेकफास्ट में है, यहाँ पे सैलेड है, यहाँ फ्रूट्स है, और यहाँ पे ये है केक है, और यहाँ पे बन गया है, और यहाँ पे चोकोस वो कॉम्प्लेक्स कर वाले, और यहाँ पे है चेंज आज है भटूरे, ये है छोले, और ये है पैन केक यहाँ पे और इनका सिरप, और ये है रोज मेरी पोटैटो, और ये बेक्ड बीन और सॉसेज, और यहाँ पे ग्रीन टमाटो, और ये तो नॉनवेज है, और ये फ्राइड एग है। मैं खा रहा हूँ छोले भटूरे, और ये है पैन केक। गाइस यहाँ पे स्वीट डिश खा रहा है, केक खा रहा है और केक खा रहा है। सारे रेडी हो रहे हैं और पापा के वहाँ पे चल रही है मीटिंग, व्हाइट शर्ट में पापा है और रेड कैप में अंकल है, और मीटिंग चल रही है पापा की अभी पूल के साइड में ही। देखो मैं घूमते घामते इस साइड आ गया हमारे होटल की, और यहाँ पे मैंने अभी अभी देखा यहाँ पे पॉल भी है देखो खेलने के लिए, यहाँ पे भी देखते हैं खेलूंगा तो मन करेगा तो खेल लेंगे फिर। और मैं खेल रहे थे पूल, तो अभी इसमें विनिंग में तो मैं हूँ, बुआ का 1 पॉइंट है, मेरे 2 पॉइंट है, हाँ आपका 1 पॉइंट है, मेरे 2 पॉइंट है, ठीक है। तो ये है हमारे पापा के फ्रेंड, आपका नाम अंकल अर्जुन कुमार। यहाँ पे ये अंकल डायरेक्टर है, मूवीज बनाते हैं बहुत सारी नेपाल में, नेपाल के लोग देख रहे थे वो जानते होंगे इसका ब्लॉग, इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो ये है हमारे सामने नेपाल पूरा, देखो नेपाल का व्यू, सामने माउंटेन भी है, और ये देखो आई थिंक ये मार्केट है नेपाल की। बात पता है गाइस अभी हम जहाँ पे है यहाँ से माउंट एवरेस्ट ओनली 150 किलोमीटर है, तो यहाँ से माउंट एवरेस्ट भी जाते हैं बहुत लोग जिनको यहाँ पे ट्रैकिंग करनी होती है माउंट एवरेस्ट की। यहाँ पे भी गाइस पॉपुलेशन देखो कितनी है, यहाँ पे भी इंडिया की तरह ही आई थिंक, तो कितनी पॉपुलेशन है। देखो कितना सुंदर है, ये देखो ये बुद्धा जी का कितना बड़ा मंदिर है, सामने देखो बुद्धा जी भी है, ये देखो सामने बुद्धा जी दिख रहे हैं, गेट है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है गोल्ड से बना रखे हैं बुद्धा जी, देखो एकदम गोल्डन कलर के लग रहे हैं। यहाँ पे देखो ये टैंक है, यहाँ पे आर्मी एरिया, ये पूरा यहाँ पे टैंक है। ये माउंटेन है सामने नेपाल के, सारे इतना सुंदर व्यू है, जो भी हो नेपाल है तो बहुत सुंदर है। ये देखो ये जो कार है ये सामने टोयोटा राव 4, ये बस नेपाल में जाती है, इंडिया में नहीं आती। देखो आपने ये फर्स्ट टाइम ही देखी होगी ये, क्योंकि ये नेपाल में होती है, इंडिया में नहीं आती। देखो अच्छी भी लग रही है ये देखने में, मिनी ऐसी हुई है। में हम माउंटेन पर चढ़ चुके हैं, ये पूरा माउंटेन का व्यू है साइड में, देखो कितना सुंदर है माउंटेन का व्यू। हमारे सामने देखो हाईलक्स ट्रक जा रहा है, ये भी अब इंडिया में आने लगा है, पर नेपाल में तो बहुत पहले से आता है ये। दोबारा से गाइस ऑफ रोडिंग वाली रोड चालू हो चुकी है, पहले थोड़ी अच्छी रोड थी, अब दोबारा से देखो मिट्टी मिट्टी उड़ने लग गई है सामने। गाइस सामने देखो कोई टनल बन रही है, कितनी मिट्टी है यहाँ पे, कितनी डस्टिंग हो रही है, कैसे उड़ रही है मिट्टी, दिखाई नहीं दे रहा कुछ, कुछ भी नहीं दिख रहा, दिखाई नहीं दे रहा। गाइस कितनी डस्टिंग हो रही है सामने, यहाँ पे अभी माउंटेन पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक लगना चालू हो गया है। तो यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, ऊपर आपको दिखेगी टेरेस फार्मिंग, ये देखो यहाँ पे हो रही है फार्मिंग, ये देखो जैसे कोई यहाँ पे हर जितनी भी हमारे वहाँ परचून की दुकान होती है वहाँ पे सब में वाटर धरा रहता है, पर यहाँ पे देखो हर परचून की दुकान पे यहाँ पे बियर रखी रहती है, देखो बियर सारी बियर हर दुकान पे मिलेगी आपको बियर। अभी अभी हम दीदी ने ना थोड़े दिन पहले
एक दुकान से बोला था कि आपको एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो उन्होंने दीदी को बियर दे दी थी। लोग देखो तो सामने सरस्वती माता की कितनी ऊंची मूर्ति लगी है, बड़ी भी बहुत है मूर्ति, माउंटेन से ही दिख रही है। देखो माउंटेन पे है, देखो ये देखो सामने। तुम कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पहाड़ पे घुस के। पहाड़ पे घुस गए? हाँ। अब कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं बर्फ पे। बर्फ में ले जाओ, बर्फ में जाना होता है। बर्फ में जाना है? नेपाल में तो बर्फ होती नहीं है। पर देखो पूरी जल चुकी है, एक्सीडेंट हुआ होगा पहले। देखो पूरी जल चुकी है। बेचारो शॉप पे कुछ सामान लेना था, लेकिन निकल चुके हैं अभी, शॉप से निकल चुका हूँ। अभी जाते हैं कार में, बोतल गिर रही पानी की, चलते हैं आप कार में। वो बड़ी कार वहाँ पे सामने देखो कितनी सुंदर रिवर है, नाम क्या है पर इस रिवर का, और सुंदर देखो कितनी लग रही है सामने। दिख रही है रिवर, देखो। अभी हम ले रहे हैं ऐसे बनारसी नेपाल के, तो सामने पापा ले रहे हैं वहाँ पे। इसे साइज तो देखो कितने बड़े हैं, ये देखो। हेलो गाइस, मछली चावल मिलती है और मछली की फोटो भी डाल रखी है, ये देखो मछली का स्टैचू है। रिवर में देखो गाइस राफ्टिंग भी होती है, सामने देखो बोट रखी हुई है वहाँ पे, राफ्टिंग हो रही है की लड़ाई हो चुकी है यहाँ पे। गाड़ी वाला बीच रास्ते में चला रहा था, एकदम जैविक कह रहा हमारे मुंह पे चढ़ाएगा, कैसे लड़ रहे हैं। देखो क्या हुआ कह रहे साले रोड पे चला रहे हैं, इस कोने पे चला ले। किससे लड़ाई हो गई? अब लड़ाई कर रही है, ये भी लड़ाई करने लग गए चूहे से। कह रहे टोपे इधर आ। इस साइड भी जंगल है, इस साइड भी जंगल है, बीच में से रोड जा रही है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये रास्ता देखो, ये पूरा फॉरेस्ट है। अभी हम भूख लग रही थी तो अभी हम रुके हैं कैफे पे, यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, तो अभी थोड़ी देर में हमारा खाना भी आ जाएगा। जो हमने ऑर्डर किया है वो आपको दिखा देंगे। अभी कुछ कैफे हैं, सारे यहाँ बैठे हैं, दही वहाँ पे है। देखो कैफे में कितनी बड़ी बड़ी है, फिर नीचे देखो यहाँ पे काउंटर है, इसके नीचे कितनी अकेली बड़ी फिश है। कैसी फिश है गाइस देखो। इससे पहले हम दैविक के फ्रेंच फ्राइज आ चुके हैं, और यहाँ पे ये हमारी शेक आ चुके हैं, मेरा, ये बुआ का और ये दीदी का शेक है। पापा की कैफे लाते भी आ चुकी है, वो कहा आ चुका है गाइस, खाना बर्गर आ चुके हैं, बुआ के, दीदी के, पापा के बर्गर और मम्मी के बर्गर। मैं बर्गर नहीं खाता, तो मेरे लिए अभी मोमोज आ रहे हैं। हमारे मोमोज भी आ चुके हैं और दीदी के आ चुके हैं चिली पोटैटो। रेस्टोरेंट से खा के निकल चुके हैं, पेट एकदम हो चुका है हमारा, फुल एकदम हो चुका है पेट। आपको गाइस जो लेक दिखाई थी दिन में जब वो मारे थे, जहाँ पे बोटिंग हो रही थी, वो लेक है, उसका नाइट व्यू देख लो आप। गाइस अभी हमारे टूर का थोड़ा सा प्लान चेंज हो चुका है, हम पहले पोखरा जा रहे थे पर अब नहीं जा रहे हैं पोखरा, क्योंकि मेरे स्कूल भी अभी थोड़े दिनों में, दो दिनों में खुलने वाले हैं, और हमारे पास अभी रास्ते पूरे टूटे हैं, और पोखरा बहुत दूर भी था, और अभी हमारे पास परमिट भी थोड़े कम दिन का है। अगर परमिट थोड़ी ज़्यादा दिन का होता तो चले भी जाते, पर परमिट अभी कम दिन का है, और अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ने हमें पकड़ लिया कम परमिट के और हमारे पास परमिट नहीं है, तो चलान हो सकता है बहुत महंगा। हम वापस जा रहे हैं सोनाली बॉर्डर के, वहाँ पे देखते हैं अभी हम जाएंगे अयोध्या घूमने, अयोध्या दिखाएंगे आपको। अभी सुबह के 4 बजे तक पहुँच पाएंगे हम, रात के 4 बजे तक। जैसे सोनाली बॉर्डर का रास्ता है 4 आवर का, उसके बाद अयोध्या में जाके स्टे करेंगे, देखते हैं अयोध्या में करेंगे या पहले कहीं पे करेंगे। देखो रात भी हो चुकी है, दिन में आ रहे थे तब हमने ये मंदिर देखा था, अब देखो ये मंदिर रात में कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये मंदिर नाइट व्यू, भाई सामने का व्यू देखो कितना सुंदर है। दिवाली जाने के बाद भी अभी तक लड़ी लगा रखी है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, अभी भी सारे घरों में लड़ी लग रही है यहाँ पे दोनों तरफ। रोड पे गाइस भीड़ देते हैं थोड़ी, इस रोड को मायने रखते हुए।
सामने इतना सुंदर लगा हुआ था। अभी हम पहुंच चुके हैं सोनाली बॉर्डर में। ये सामने जो रेड कलर का ये है नेपाल का गेट, इससे आगे वाला है इंडिया का गेट। जा रहे हैं नेपाली नोट को एक्सचेंज करके इंडियन करेंसी लेने। इतने सारे नोट कुछ बच गए थे हम पे, तो इसको वापस देके इंडियन करेंसी ले लेते हैं। वहाँ से करा रहे चेंज करेंसी, मनी एक्सचेंज करा के आ चुके हैं। और वहाँ पे सामने बॉर्डर है, ये है नेपाल का गेट और उस साइड है इंडिया का गेट। आपको दिखाऊंगा अभी, अब जाएंगे उस साइड, दिखता है वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, वो इंडिया का गेट है। चलते हैं नेपाल को बोलते हैं बाय बाय, चलते हैं अपने इंडिया में वापस से। नेपाल हमें अच्छा लगा, सबको एक बार आना चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहिए। अच्छा लगा, अगली बार भी आएंगे कभी घूमने। तो हम बहुत कम ही घूमे नेपाल अभी, तो अपर मस्तियांग भी था, लोअर मस्तियांग भी था, बहुत सारी चीज़ें घूमने की। देखेंगे कभी और प्लान बनाएंगे और आएंगे दोबारा से नेपाल घूमने के लिए। अब चलते हैं अंदर। ये नेपाल का गेट और उसको पार कर दी, सामने आ गया इंडिया का गेट। देखो इंडियन फ्लैग बना हुआ है, इंडिया का गेट, प्राउड टू बी इंडियन। इंडिया का गेट हमारे अभी यहाँ पे चेकिंग भी करानी पड़ेगी एक बार, फिर चलेंगे इंडिया के अंदर एंटर हो लेंगे। पहले यहाँ पे करानी पड़ेगी हमें एंट्री, इंडिया के अंदर जाने की अपनी आईडी वाईडी दिखानी पड़ेगी। पापा जा रहे हैं अभी एंट्री कराने के लिए। हमारे सामने नेपाल का बॉर्डर, ये है हमारे इंडिया का गेट, प्राउड टू बी इंडियन। और यहाँ पे ये बीच की लाइन है, वो गेट है नेपाल में एंटर होने का, और इस गेट को पार करते ही हम इंडिया में एंटर हो जाएंगे अपने। तो गाइस इंडिया में गेट पार करके इंडिया का आ गए इंडिया में, बैठते हैं कार में। अब यहाँ पे अब हम इंडिया में एंटर कर गए और ये है इंडिया की मार्केट बॉर्डर से बाहर जाते ही। सो गाइस अभी दोबारा से डाल लिया अपने फ़ोन में इंडिया की सिम, क्योंकि हम अभी इंडिया में एंटर हो गए हैं, और नेपाल की सिम डाल दिया दूसरे फ़ोन में, क्योंकि अगर दोबारा कभी नेपाल आते तो उसी सिम को दोबारा डालेंगे, नहीं लेनी पड़ेगी। अभी हमने अभी गूगल मैप पे ध्यान नहीं दिया, हमें जाना था नीचे की तरफ पुल से, हम चढ़ गए पुल के ऊपर। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर, देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, कार है हमें करिए पार्क। अभी रुके हैं थोड़ा डिनर करने के लिए, हवेली रेस्टोरेंट है इस पे, डिनर कर लेते हैं अभी यहाँ से, फिर चलेंगे आगे की तरफ। हमारा प्लान बना है आज हम रुकेंगे अयोध्या में, और कल घूमेंगे राम मंदिर और जो जो जगह है अयोध्या में घूमने की वहाँ चलेंगे, और राम मंदिर भी घूमेंगे, आपको दिखाएंगे सारा। अंदर रेस्टोरेंट में फिर ऑर्डर करते हैं डिनर। अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ दैविक की आइसक्रीम चालू हो गई है खानी, कोई गाइस हमारा डिनर, डिनर में है ये है तंदूरी रोटी, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, और यहाँ पे प्याज है। पोक ले लिया खाना खाने के बाद, डिनर हो चुका है डन। गाइस चल निकल गए हमने रेस्टोरेंट से, डिनर हो चुका है डन, पेट हो चुका है एकदम फुल, और अब चलते हैं सीधा अयोध्या में जाके होटल ढूंढते हैं, और वहाँ पे फिर रुकते हैं, फिर सुबह घूमेंगे राम मंदिर और देखते हैं काका घूमेंगे। यहाँ पे गाइस एक होटल ले लिया है यहाँ पे, अभी यहाँ पे चलते हैं रूम में, नींद जा रही है अभी, यहाँ पे ले लिया है होटल, इसमें हम चलते जल्दी से रूम में। अभी हमने रूम में आ गए हैं अभी, अब यहाँ से अयोध्या का 1 आवर का रास्ता है, तो अब सुबह जाएंगे अयोध्या, अभी यहाँ पे स्टे करते हैं, कल घूमेंगे राम मंदिर वगैरह जो भी अयोध्या में है, तो अब सो जाते हैं।